हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जब लेकिन को प्रेस कीजिए ताकि आप कुछ डॉ मिल सके। पहले बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही IPL के कल के मैच की बात की जाए तो अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने वन साइडेड मैच जीता। अगर बात की जाए तो 178 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल ने दिया था, लेकिन वन साइडेड देवेंद्र पाड़ेकर और विराट कोहली की 181 रनों की ओपनिंग साझेदारी बहुत ही बेहतरीन रही और 10 विकेट से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने वन साइडेड मैच जीता और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाजों से, जिनमें विराट कोहली और देवेंद्र पाड़ेकर शामिल है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से। की बड़ी खबर और बुरी खबर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कि टी नटराजन IPL 2021 से बाहर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज टी नटराजन पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कर रहे थे, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में वो रेस्ट पर थे और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक वो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर पूरे IPL 2021 से टी नटराजन बाहर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही विराट कोहली के हवाले से। की बड़ी खबर विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है IPL में। पहली बार किसी खिलाड़ी ने 6000 रन बनाए। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही वो IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर और विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और अब उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है IPL 2021 में। ज़बरदस्त 72 रनों की पारी कल के मैच में खेली और अब उन्होंने IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले। इस की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही कि अक्षर पटेल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्होंने दिल्ली कैपिटल का बाय बबल भी ज्वाइन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही बेहतरीन खबर दिल्ली कैपिटल के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और अब वो आने वाले मैचेस में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और उन्होंने दिल्ली कैपिटल का कैंप ज्वाइन किया है और वो उनका कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो पहली बार अब अपना जो टीम का कैंप है वो ज्वाइन और बहुत ही बेहतरीन उनके लिए खबर निकल के आ रही है कि अब वो IPL 2021 में खेलते हुए दिखेंगे अक्षर पटेल। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा और बहुत ही बेहतरीन पिछले मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन आज के मैच में देखना होगा कि कौन सी टीम जीती है। लेकिन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा आज दोपहर 2:30 बजे और ये 23 अप्रैल को मैच खेला जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप खुश मिल सके। थैंक यू।